हेलो, कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बस बढ़िया ही हूँ। वैसे आपने इस टाइम कैसे याद कर लिया मुझे? मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ, काम के बिना तो याद ही नहीं करोगे आप मुझे। अच्छा, आपको विक्की याद है क्या? कौन विक्की? अरे मेरे मामा का लड़का विक्की। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। हाँ क्या हुआ? एक्चुअली कुछ काम से अपने शहर में आ रहा है, दिल्ली में। अच्छा। देखो उसको रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, तो वो अपने घर पे ही रुकेगा। तुम कर लोगे ना मैनेज? हाँ कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो एक हफ्ता तक रुकने वाला है, तो उसको देखना खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, कोई शिकायत नहीं। अच्छा कम ऑन यार, तुम्हारे रिलेटिव मेरे रिलेटिव भी तो हैं। अरे हाँ हाँ, परेशान तो नहीं हो जाओगी ना? नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हो तुम? क्योंकि विक्की मेरा छोटा और लाडला भाई है, उसको बचपन से मैंने एक बच्चे की तरह पाला है। बहुत अच्छा लड़का है वो। अरे आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी। तो ठीक है, मैं थोड़ा अपना काम पटा के शाम को कॉल करता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया। आओ अंदर आओ। विक्की, घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई कुछ? नहीं भाभी, आपने एड्रेस तो भेज ही दिया था, फिर तकलीफ किस बात की? नहीं मुझे फिर भी लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अब काम तो अच्छा ही चल रहा है, उसी के मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिन के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। लेकिन भाभी आपसे एक शिकायत है। वो क्या? आप हमारे घर पे नहीं आती हो। अब वो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारे भैया आ जाए तो हम पक्का आएंगे इस बार। पक्का? चलो ठीक है। अच्छा तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आऊं? नहीं अभी तो मन नहीं है भाभी, और भूख भी नहीं है, थोड़ा रेस्ट करना था। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, ये स्ट्रेट जाना, फिर लेफ्ट में तुम्हारा रूम है, वहाँ जाके तुम रेस्ट कर लो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूं। ओके भाभी। कितना अच्छा लगता है जब कोई जान पहचान वाला अपने घर पे आता है। चलो अच्छा हुआ यहाँ आ गया, तो मैं तो वैसे भी बोर होती रहती हूँ। चलो अब ये कुछ दिन आया है तो मन लगा रहेगा। चलो कुछ इसके लिए बना देती हूँ। चाहिए क्या? हाँ भाभी, एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? अच्छा ठीक है अभी देती हूँ, एक मिनट। हाँ भाभी।
कितने पागल है ना रोहित भैया, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के महीनों भर बाहर रहते हैं। अगर मेरी ऐसी वाइफ होती ना तो मैं काम पे भी नहीं जाता, घर से बाहर ही नहीं निकलता। और भाभी भी तो दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रही है। भैया का प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है। ये लो विक्की। थैंक यू। अच्छा भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। गुस्सा तो नहीं होगी ना? अरे नहीं। अब बोर नहीं हो जाती घर पे अकेले रह के? क्या करूं, थोड़ी बहुत तो बोर हो जाती हूँ अकेली रहती हूँ तो। तुम्हारे भैया का काम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। अगर आप मेरी वाइफ होती ना तो मैं आपको छोड़ के कभी भी बाहर नहीं जाता, हमेशा आपको घुमाने लेके जाता। अच्छा, देख लेंगे तुम्हारी शादी के बाद भी। हाँ अगर आपके जैसी खूबसूरत रही तो, अगर ऐसी या वैसी रही तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। बहुत मजाक कर रहे हो। हाँ तो खाना लगा दूँ आपके लिए? अरे नहीं भाभी सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा था, आज के बाहर घूम के आते ना। बाहर इतनी रात में? हाँ भाभी चलो ना, आपको भी मजा आ जाएगा और डिनर भी साथ में ही करेंगे। पर खाना तो रेडी है ना? तो रहने दो ना भाभी आज के दिन, प्लीज ना। अरे खाना खराब हो जाएगा भाभी, प्लीज ना चलिए ना साथ में, चलो ना प्लीज। मैं कौन सा रोज आपको कहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। मैं काम करती हूँ, पर्स लेके आती हूँ अंदर से, फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, ये रख देना भाभी। भाभी मेरी पहली बात इतनी आसानी से मान गई, क्या पता दूसरी बात भी आसानी से मान जाए, क्या पता जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो इनके दिमाग में भी चल रहा है। वैसे भी भैया के पास तो इनके लिए टाइम है नहीं, और हर एक औरत को मर्द की जरूरत तो होती है। भाभी हो गए रेडी? आज तो सीरियसली बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद घूम के मूड फ्रेश हो गया है। विकी सच में बहुत अच्छा लड़का है। एक काम करती हूँ, इनको कॉल करके बताती हूँ। हेलो। हाँ डार्लिंग। हाँ जी फ्री तो है आप? अरे हाँ फ्री हूँ, बोलो ना। हाँ मैंने कहा पूछ लेती हूँ, कहीं बिजी तो नहीं है आप? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलो ना। पता है आज विक्की मुझे बाहर लेके गया था। अरे वाह, लगता है देवर भाभी अच्छी जम रही है। हाँ सच में, आपने जैसा बताया था ना, बहुत अच्छा लड़का है वो। उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई और डिनर भी हमने बाहर ही किया था। चलो अच्छी बात है ना, कोई तो है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल लगा रहता है। आपके पास तो टाइम नहीं है, पता है इतने दिनों बाद बाहर घूम के ना मूड फ्रेश हो गया बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद तुम मुझे हंसती हुई दिखी, वरना तुम्हारे ताना सुन सुन के मैं पक जाता। आप भी ना, इतना भी नहीं सुनाती हूँ मैं आपको जितना बोल रहे हो। अच्छा किसी दिन सबूत दिखा दूंगा तुम्हें। हाँ विकी आ जाओ अंदर आओ। अच्छा सुनो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? विकी आया है, बैठो। तो कैसा लगा भाभी आज बाहर घूम के? बहुत अच्छा लगा सच में, इतने दिनों बाद बाहर जाके मूड फ्रेश हो गया मेरा। आप अगर कहो तो मैं आपको रोज ही डिनर करवाने बाहर ले जाऊं। अरे नहीं नहीं रोज अच्छा थोड़ी ना लगता है ये सब। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा हुआ दिल्ली आ गए, तुम्हारा कुछ तो फायदा हुआ, घूम लिए बाहर। फायदा तो आपका भी बहुत होगा भाभी, अगर आप मेरी बात मानोगे तो। रोज शॉपिंग, रोज डिनर, रोज बाहर घूमना। क्या बोलना चाहते हो तुम, समझी नहीं मैं कुछ, खुल के बोलो ना।
देखो भाभी, अब आपसे भी क्या छुपाना, भैया तो घर पे रहते नहीं है, आपको भी एक मर्द की जरूरत होगी, और वैसे भी 24 घंटे रूम में रह के आप बोर हो जाती होगी। देखिए अपने आप को, कितनी खूबसूरत हो, जवान हो, और आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी की जरूरत हो। अगर आप चाहो तो। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी सच में कितनी गंदी नजर है तुम्हारी। निकलो, तुम मेरे घर से निकलो, निकल जाओ तुम यहाँ से। देखो क्या बोलते थे वो कि बच्चे की तरह पाला है उन्होंने तुम्हें, और तुम ऐसी हरकत करोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अरे भाभी, किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी हद में रहो और निकलो यहाँ से। एक दिन शॉपिंग क्या कर रही थी, बाहर क्या घुमा दिया, अपना हक समझने लग गया मुझ पे। बदतमीज कहीं का, इतने एहसान है इसके भैया के, सब भूल गया ये, बच्चे की तरह पालते थे इसे। मैं भाभी हूँ इसकी, इसे इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि भाभी माँ समान होती है। कहता है रोज मजे कराऊंगा, बढ़ाया मजे कराने वाला। छी, इनको बताती हूँ, इनका लाडला भाई कैसी हरकत करके गया है। हो गई विक्की से बात? विक्की से बात? भगा दिया मैंने उसे। भगा दिया? ऐसा क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक था। क्या हो गया तुम्हें पता है, वो मुझे एक दिन बाहर क्या घुमाने ले गया, वो मुझ पे अपना हक जमाने लग गया। बोलता है मैं आपको खुश रखूंगा, रोज शॉपिंग करा सकता हूँ, ये वो, और हिम्मत तो देखो उसकी, मेरी कमर में हाथ डाल रहा था। बदतमीज कहीं का। ऐसा किया? बात करा मेरा उससे। बात करा, भगा दिया मैंने उसे। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं कि वो ऐसा निकलेगा, वो तो बहुत शरीफ था। शरीफ दिख रहा है मुझे कितना शरीफ था। आगे से जब तुम घर पे रहो ना, तभी अपने किसी रिलेटिव को बुलाना, और गलती ना तुम्हारी भी है। इतने दिनों तक तुम बाहर रहोगे तो कोई क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि अकेली औरत है, उसे भी खुश रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या बोलूं यार मैं तुमसे। अच्छा, मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द घर पे आऊंगा और अपनी जॉब वही सेटल करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज यार। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, और सॉरी मेरे वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। चलो ठीक है, वैसे भी तुमने जानबूझ के उसे थोड़ी ना बुलाया था, तुम तो अच्छा ही समझते थे उसे, अब पता कैसे चलता ऐसा निकल जाएगा वो। हाँ यार, वही तो। कितना फर्क है तुम में और उसमें यार। ठीक है, अब तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा पक्का, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, बाय बाय, लव यू। लव यू टू। एक ये है जो अपने भाई के बारे में कितना सोचते हैं, कितनी केयर करते हैं उसकी, और वो अपने भाई की बीवी पे नजर रखता है। कितना फर्क है इन दोनों भाइयों में। जितना मूड मेरा ठीक हुआ था ना, उससे कई ज्यादा खराब हो गया है। अब तक तो चला गया होगा, जाके दरवाजा बंद करती हूँ।